कैसे हो? मैं हूं आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों, कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं, जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए, आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा का अभ्यास करेंगे। आज हम आठवां पाठ जन्मदिन पढ़ेंगे। यह पाठ हमने पहले भी आधा पढ़ा है, अब बाकी बचा हुआ पाठ आज पढ़ते हैं। जन्मदिन भाग एक। इस वीडियो में हमने देखा कि बबलू को पानी और बिजली व्यर्थ गवाने की आदत थी। उसके माता पिता उसकी इस आदत से परेशान थे, लेकिन जब शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन मनाने के लिए वे सब शीला मौसी के घर जाने वाले थे, तो माँ ने बबलू की इस आदत के बारे में शीला मौसी को बता दिया था। तो उसे सबक सिखाने के लिए शीला मौसी ने क्या किया था? एक नाटक किया था, जिसे बबलू बिल्कुल नहीं जान पाया। और आगे क्या होता है देखते हैं। हमने देखा कि बबलू को बहुत प्यास लगी थी। आगे देखते हैं क्या होता है। बबलू एक घुट में ही सारा पानी उठक गया, पर इससे उसकी प्यास नहीं बुझी। फिर भी वह खाने में जुट गया। दो चार कौर भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। वह प्यास से बेचैन हो उठा। गर्मी अलग परेशान कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था। शीला मौसी मुंह बनाकर बोली, क्या बताऊं बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है। तुम लोग खाना खाओ। अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, कहीं न कहीं से पानी तो मिल ही जाएगा। अब देखो, यह प्यासा बबलू पानी की ओर गया। देखा तो गिलास में आधा ही पानी है। वह तो एक घुट में ही सारा पानी गटक गया। गटक जाना यानी निगल जाना। गटक गया, निगल गया, पी गया। तो इस आधे गिलास पानी से उसकी प्यास तो बुझी नहीं, लेकिन शीला मौसी के कहने पर वह खाने में जुट गया। दो चार कौर खाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। उसे बहुत भारी एहसास होने लगा कि अभी उसकी प्यास बुझानी चाहिए, पानी पीना चाहिए। वह प्यास से बेचैन हो उठा। ऊपर से गर्मी अलग परेशान कर रही थी, क्योंकि लाइट नहीं थी तो पंखा और कूलर नहीं चल रहे थे। तो वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन देखा तो पानी का जो जग था, पानी का जो बर्तन था, वह खाली पड़ा था, उसमें पानी नहीं था। यह देखकर शीला मौसी मुंह बनाकर बोली। मुंह बनाकर बोलना इसका मतलब अप्रसन्न होना। तो शीला मौसी अप्रसन्नता से बोली, क्या बताओ बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। हाँ बच्चों, हमारे बिल्डिंग के ऊपर जो पानी की टंकी होती है, उसे हमेशा सफाई करनी पड़ती है, उसकी सफाई करनी चाहिए।
नहीं तो गंदा पानी उसमें जमा होने के कारण हम बीमार पड़ सकते हैं, तो उसे महीने 2 महीने में सफाई करनी चाहिए। तो शीला मौसी क्या बोली, कोई बात नहीं बच्चों, इस तरह अच्छा बुरा तो कभी ना कभी होता ही रहता है। आप क्या करो, आप चैन से खाना खाओ, मैं देखती हूँ अड़ोस पड़ोस में कहीं पानी मिलता है तो मैं लेकर आती हूँ, वो तो कहीं ना कहीं पानी तो मिल ही जाएगा। इस तरह बबली बबलू को शीला मौसी ने समझाया कि पानी अब घर में नहीं है, मुझे आस पास अड़ोस पड़ोस में जाकर पानी को लाकर देना है, पानी लाना है। तो इस जन्मदिन के अवसर पर बबलू को एक साथ बिजली की भी परेशानी झेलनी पड़ रही है और पानी की जो कमी है उसकी भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो देखो बच्चों, यह बबलू जो है हमेशा पानी और बिजली को व्यर्थ गवाता है। आज उसे पता चला कि पानी नहीं हो तो कैसी अवस्था होती है, बिजली नहीं हो तो क्या परेशानी होती है। तो आप भी इस बात को अच्छी तरह समझ लेना और कभी भी पानी और बिजली को व्यर्थ न गवाना। लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था, खाने का एक कौर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वह प्यास से छटपटाने लगा। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था। जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का जी भर कर बदला जो लेना था, अब तो बबलू तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा था। तभी एक चमत्कार हो गया, अचानक बिजली आ गई, कूलर पंखे चलने लगे, कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा, सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। देखो बच्चों, शीला मौसी ने आश्वासन तो दे दिया, लेकिन उस आश्वासन से बबलू की जो प्यास थी उसे कोई राहत नहीं मिली। राहत यानी आराम, तो उसे बहुत ही प्यास लगी थी, उसे खाना भी खाते समय एक और नीचे नहीं उतर रहा था। वह पहली बार इस तरह प्यास का अनुभव कर रहा था। लेकिन जो बबलू बहुत दिनों से शॉवर नल को छोड़कर पानी को बर्बाद कर रहा था, तो आज ऐसे लग रहा था जैसे पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का बदला लेना था। तो बबलू को क्या हो गया, आज पहली बार प्यास का अनुभव हुआ। अब क्या हुआ, देखो बबलू के साथ और भी बच्चे थे, तो बबलू ही क्या तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा। धैर्य यानी धीरता। अभी तक तो सब चुपचाप सब समारोह मना रहे थे जन्मदिन का, लेकिन अब सभी को बड़ी ही प्यास लगी थी। ऐसे में चमत्कार हो गया, बिजली आ गई, पंखे कूलर चल गए, रोशनी हो गई और सब खुशी से चिल्ला उठे। मगर बिजली आने भर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। अंकल को भी अचानक कुछ याद हो आया, वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। अगले ही पल वहां का दृश्य बदल गया, कमरा ठंडी हवा से भर उठा, बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। बबलू की तो बाँछें खिल उठी। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देख कुछ मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू नहीं समझ पाया। तो देखो, अब बिजली आ गई है तो
जो अंकल थे शीला मौसी के, जो पति थे, उनको याद आ गया कि जो बड़ा कूलर है वह तो पानी से भरा हुआ है। तो कूलर से कमरा ठंडी हवा से भर गया और सभी ठंडे पानी के साथ भोजन का भी स्वाद लेने लगे। अब तो बबलू की बाछे खिल उठी थी। बाछे खिल उठना यानी इच्छाएं बढ़ना। मेज पर जितना सारा खाना था सब खाने के लिए उसकी इच्छाएं जाग उठी। अब यह समारोह, जन्मदिन का समारोह जो मनाने गए थे, वह खत्म हो गया। खाना भी हो गया था। अब बबलू और उसके माता पिता अपने घर जाने के लिए निकले, तब शीला मौसी और उसकी माँ एक दूसरे को देख कुछ मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट के पीछे जो रहस्य छिपा था वह बबलू कभी भी समझ नहीं पाया। रहस्य यानी गुप्त बात यानी राज, जो बबलू को कभी भी मालूम नहीं हुआ। क्या बच्चों, आपको कुछ आइडिया आ रहा है कि क्या राज होगा, क्या गुप्त बात होगी? घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा। बबलू कुछ नहीं बोला। शीला मौसी के यहाँ जो घटना हुई वह अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। अपने आंगन की गौरैया की प्यास से खुली चोंच, बाहर सड़क की नाली में जीभ निकाले हांफता हुआ टॉमी, शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता उसका गला, पंखा कूलर जरा देर के लिए बंद रहने पर बहता पसीना, बहुत कुछ नहीं। अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। माँ, कल मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है। माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब न रखे। तो देखो, जैसे ही बबलू अपने घर लौटा तो वह चुपचाप था, किसी सोच में डूबा हुआ था और कुछ बोल भी नहीं रहा था। वह बार बार शीला मौसी के यहाँ जो घटना घटी थी उसके बारे में विचार कर रहा था। वह घटना उसके आंखों के आगे घूम रही थी। आंखों के आगे घूमना यानी बार बार याद आना। हमें भी ऐसा होता है ना बच्चों, कभी कभी अगर हम कहीं किसी समारोह में जाकर आते हैं तो वहां का सारा माहौल हमारे आंखों के सामने बार बार घूमता है। अब देखो, ये जो बबलू है बहुत सोच विचार में डूब गया है। वह क्या देख रहा था कि उसके आंगन में जो गौरैया थी प्यास से उसकी चोंच खुली रहती थी। गौरैया यानी चिड़िया। तो ये जो चिड़िया है जब उसे प्यास लगती है और कहीं पानी नहीं मिलता है तो वह चोंच को खुली रखकर बाहर की ठंडी हवा अपने शरीर में लेकर सूखे गले को ठंडक पहुंचाने की कोशिश करती है। और भी बबलू ने और एक घटना देखी कि सड़क की नाली में जीभ निकाले हांफता हुआ टॉमी। और टॉमी क्या करता था, उसे पानी नहीं मिलता था तो क्या करता था, बाहर जीभ निकाले हुए हांफता रहता था। वह भी हवा की जो ठंडक है अपने गले में उतार कर वह प्यास को बुझाने की कोशिश करता था। और तो और शीला मौसी के यहाँ बबलू ने प्यास का जो अनुभव किया था, उसका जो गला सूख गया था प्यास के कारण, तो उसने भी प्यास क्या चीज होती है इसका अनुभव किया था। पंखा कूलर जहाँ बंद थे तो कितना पसीना बहा, यह देखकर बबलू अब समझ गया था कि अब मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि पानी और बिजली बर्बाद हो। देखो तो, यह गौरैया यानी चिड़िया प्यास के कारण चोंच को खुला रखकर ठंडी हवा अपने गले में लेकर
सूखे हुए गले को राहत देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसे कहीं भी पानी नहीं मिल रहा है। और ये जो टामी है वह भी नाले का जो गंदा पानी है वह तो पी नहीं सकता, लेकिन पानी की जो ठंडक है उसे जीभ को बाहर निकालता हाफता उस ठंडक का अनुभव करने की कोशिश कर रहा है। तो जो पशु पक्षी होते हैं उन्हें पानी की बहुत जरूरत होती है। अब हम घर में जिस तरह पानी को भर कर रखते हैं वे तो वैसा नहीं कर पाते, इसलिए बच्चों गर्मी के मौसम में पशु पक्षियों के लिए हम किसी बर्तन में पानी रखकर उनके लिए यह सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं, जिसके कारण उनकी प्यास बुझेगी और उनको राहत मिलेगी। तो आप भी जरूर गर्मी के मौसम में किसी बर्तन में पानी रखना, ताकि चिड़िया, कौवे, तोते, कबूतर, ये जो पंछी है यह आकर पानी पी सके। उसी तरह बड़े बर्तन में पानी रखेंगे, आंगन में पानी रखेंगे, तो कुत्ते, भैंस, गाय, बकरियां, ये जो प्राणी है वह पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सकेंगे। तो आप जरूर गर्मी के मौसम में इस तरह बर्तन में पानी भर कर रखना, ताकि इन पशु पंछियों की प्यास बुझ जाए। चलो अब आगे का पाठ पढ़ते हैं। माँ अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी, बबलू आत्मविश्वास से भरकर बोला। मगर बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन के पार्टी पर जो कुछ हुआ वह एक नाटक मात्र था, उसे सबक सिखाने के लिए। माँ ने चलने से पहले शीला मौसी को फोन पर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था। उन्होंने यही नाटक किया जो कि पूरी तरह कामयाब रहा। अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अनमोल है, इन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखो। देखो बच्चों, अब बबलू खुद कह रहा है, माँ अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी, वह आत्मविश्वास से भर कर बोल रहा है, क्योंकि उसने प्यास को समझा है, बिजली न होने की परेशानी को झेला है, अपने आंगन में गौरैया और जो कुत्ता है उसकी क्या हालत होती है पानी के बिना यह भी देखी है। तो उसके अब समझ में आ गया है कि पानी को बर्बाद नहीं करना है। तो वह आत्मविश्वास से बोल रहा है कि अब मैं एक बूंद भी पानी बर्बाद नहीं करूंगा। देखो तो बबलू शीला मौसी के यहाँ गया, वहां जो भी घटना घटी उससे बबलू जरूर कुछ सीख कर आया है। वह पानी और बिजली का महत्व समझ गया है। लेकिन हाँ, शीला मौसी के यहाँ जो भी हुआ था वह जानबूझकर किया गया था, लेकिन बबलू को यह कुछ भी मालूम नहीं था, क्योंकि बबलू के माता पिता उसकी इस आदत से परेशान हो गए थे। तो उसकी यह आदत माँ ने शीला मौसी को बताई थी और शीला मौसी ने इसके बारे में कुछ करेंगे इसका भरोसा भी दिया था। तो शीला मौसी ने क्या किया, बबलू को सबक सिखाने के लिए ये सब किया। सबक यानी सीख, नसीहत, बबलू को सिखाने के लिए वह नाटक किया था जो बबलू को कभी मालूम नहीं हुआ। शीला मौसी ने
वह जो नाटक किया था, नाटक करने से पहले शीला मौसी ने बबलू के माँ को भरोसा दिया था, भरोसा यानी विश्वास दिया था कि हम बबलू के इस आदत को बदलने के लिए जरूर कुछ करेंगे। और शीला मौसी ने बिजली बंद करके पानी कम रख के जो नाटक किया था वह पूरी तरह कामयाब हो गया था, कामयाब यानी सफल हो गया था। और बबलू पानी का, बिजली का महत्व समझ गया था। अब देखो, बबलू खुद तो समझ गया था पानी को बचाना चाहिए, बिजली को बचाना चाहिए। अब वह क्या कर रहा था, वह अपने दोस्तों को भी समझाता था कि अरे, पानी और बिजली अनमोल है, अनमोल यानी कीमती, अमूल्य, तो इन्हें क्या करना चाहिए, भविष्य के लिए बचा कर रखना चाहिए। तो वह खुद भी समझ गया था और औरों को भी समझाता था। इस तरह बबलू की जो पानी और बिजली को व्यर्थ गंवाने की आदत थी वह छूट गई, उसमें बदलाव आ गया। वह खुद भी समझ गया और दोस्तों को भी समझाने लगा कि पानी और बिजली अनमोल है। तो बच्चों, आप भी तो समझ गए हैं ना कि पानी और बिजली बहुत ही अनमोल है, इन्हें बचा कर रखना है, इन्हें कम मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखते हैं पानी बचाने के आसान उपाय। इन चित्रों में देखो पानी किस तरह बर्बाद हो रहा है। तो इस तरह जहां भी पानी बर्बाद हो रहा है उसे बर्बाद नहीं होने देना। पानी बचत कैसे करनी है याद रखो। अपनी कार को साफ करने के लिए इस तरह नल के बजाय केवल आधा बाल्टी पानी में कपड़े से कार को पोंछ लेना चाहिए, जिसके कारण पानी की बचत हो सकती है। इस तरह नल से पानी देकर पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। बकेट में पानी लेकर पौधों को देना चाहिए। शॉवर का भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, शॉवर के द्वारा बहुत सारा पानी बर्बाद होता है। खेती में भी ठिबक सिंचन और तुषार सिंचन पद्धति का उपयोग किया जा सकता है, जिसके कारण पानी की बचत हो सकती है। जहाँ पानी की कमी होती है उन लोगों को पानी के लिए कितने परेशानी उठानी पड़ती है देखो। तो पानी की बचत करो। जरूरत न होने पर लाइट को ऑफ करें। थिंक, एक्ट एंड सेव। सोचो, कृति करो और बिजली को बचाओ। ये सारी चीजें, बिजली है तो ही चलती है। अगर कुछ समय के लिए भी बिजली खंडित हो जाए तो हमारे ये उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। ये सारे उपकरण बिजली पर ही चलते हैं। अगर जरूरत न होने पर ये उपकरण हम बंद रखें तो हम बिजली बचा सकते हैं। तो ध्यान में रहे कि जब इनका उपयोग न हो इन्हें बंद कर देना चाहिए और बिजली बचानी चाहिए। सेव इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली की बचत करें, क्योंकि बिजली को तैयार करना बहुत ही कठिन काम है, उसमें बहुत सारा खर्चा भी आता है। तो हम अगर बिजली की बचत करेंगे तो अपने पैसे ही बचाएंगे और राष्ट्र की उन्नति करेंगे। तो हमें बिजली हमेशा बचानी चाहिए। स्वाध्याय, प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। एक, बबलू पानी और बिजली को किस तरह बर्बाद करता था? दो,
शीला मौसी ने कौन सा नाटक किया था? तीन, शीला मौसी के घर से लौटने के बाद बबलू में कौन सा बदलाव आया? तो बच्चों, इस पाठ को ध्यान से पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर सोच समझकर अपनी भाषा में लिखना और अपने क्लास टीचर को दिखा देना। प्यारे बच्चों, आज हमने जन्मदिन यह पाठ पूरी तरह पढ़ लिया है। इस पाठ को पढ़कर हमारे भी समझ में आ गया है कि पानी और बिजली अनमोल है, इन्हें बचाना चाहिए, इन्हें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। तो आप भी अच्छी तरह समझ गए हो ना? तो आगे से पानी और बिजली कभी भी बर्बाद नहीं करेंगे, ऐसा हम प्रण करते हैं। अब इस पाठ के अंतर्गत और अंत में जो स्वाध्याय दिया है उसे पूरा करने के लिए अगले वीडियो में हम जरूर मिलेंगे। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के नीचे आपको इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा शिक्षक का नाम होगा और साथ ही आपने जो वीडियो देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे जिसके उत्तर आप अपने कॉपी में लिखना है। और हाँ, साथ में ही एक गूगल लिंक दी गई है। इस लिंक को क्लिक करके जो फॉर्म आएगा उसे आपको भरना है। इस तरह का गूगल फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा जिसे क्लिक करके भरना है और अंत में यह जो सबमिट का बटन है उसे दबाना है। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। और हाँ, अगली बार वीडियो देखने के लिए छठी कक्षा का ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।